गुगुज येथे बीएसपीच्या वतीने मंगळवारी तहसील कार्यालयासमोर एक दिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात आले. अनुसूचित जाती जमातीच्या कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीमधील आरक्षण कायम ठेवण्यात यावं, मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावं, पेट्रोल डिझेलच्या किमती कमी करण्यात याव्यात, ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यात यावं, कोरोना काळातील वीज बिल माफ करण्यात यावं, कोरोना काळात मृत्यू पावलेल्या मृतकांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत देण्यात यावी अशा विविध मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात आलं. यावेळी बहुजन समाज पार्टीचे माजी जिल्हा महासचिव भीमेंद्र कांबळे, घुगुस शहर अध्यक्ष मोहन एमुरले, घुगुस उपाध्यक्ष सिद्धार्थ रामटेके, घुगुस महासचिव प्रफुल्ल मनवर, सुरेंद्र वाघमारे, सतीश टिपले, राकेश फुलझेले, विलास एमुरले, बबीता एमुरले उपस्थित होते. बघूयात याविषयीच्या प्रतिक्रिया. हम राज्यव्यापी धरने आंदोलन का आयोजन किया है यहाँ पे, और ये राज्यव्यापी धरने आंदोलन हम सरकार के खिलाफ, विरोधी धोरण के खिलाफ लगाया हुआ है. सरकार ने जिस तरह डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ाए हैं, गरीबों का जीना मुश्किल हो गया है. जिस तरह से खाने के तेल के भाव बढ़ाए हैं, गरीबों का जीना मुश्किल हुआ है. और ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आज खेतकड़ी लोगों को भाव नहीं मिल रहा है. आज कहीं ना कहीं गरीब जो है वो मर रहा है, और गरीबों के मरने का कारण सिर्फ मोदी सरकार है. और मोदी सरकार के खिलाफ ये धरने आंदोलन है, ये राज्यव्यापी आंदोलन है. पूरे महाराष्ट्र भर से बहुजन समाज पार्टी की ओर से ये राज्यव्यापी आंदोलन चलेगा. और आज हम पूरे घुगुस की ओर से, बहुजन समाज पार्टी की ओर से मोदी सरकार का विरोध करते हैं. का ये एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है जो कि चंद्रपुर में जिलाधिकारी कार्यालय के ऊपर होने जा रहा है. उससे हम घुगुस यूनिट की तरफ से सभी लोग सम्मिलित हो रहे हैं. ये केंद्र सरकार रहे, केंद्र की भाजपा सरकार रहे, चाहे महाराष्ट्र की आघाड़ी सरकार रहे, ये दोनों सरकारें मिली भगत है इनका. और ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे है. जिस तरह से पेट्रोल डीजल और गैस और तेल के भाव बढ़ाकर ये सरकार आम आदमी का जीना दुभर कर दिया है, इसके खिलाफ में, इस महंगाई के खिलाफ में, इसके लिए केंद्र सरकार भी जिम्मेदार है, महाराष्ट्र सरकार भी जिम्मेदार.